नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे प्रदेश में मौसम को लेकर। मौसम की जो स्थितियां हैं उसमें उत्तर और पूर्व के जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दो दिनों से इसी तरह की स्थितियां हैं। राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें राजधानी पटना में बारिश जैसी हालात बने हैं। कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें कि हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पर बारिश की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कहां किस तरह की स्थितियां बन सकती है। अगर हम मौसम विभाग के इस अपडेट को देखें तो इसमें जो है सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सिवान का ये पूरा इलाका, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, इन इलाकों में जो है बारिश की संभावना जताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है अगले 2 से 3 घंटों में इन इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई, साथ ही साथ वज्रपात और के होने की भी संभावना जो है वो जताई गई है। इन इलाकों में साफ तौर पे देखें ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि इस दौरान जो है लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और हो सके तो पक्के मकान में रहें और बिजली के खंभे और ऊंचे पेड़ के आसपास ना रहें, क्योंकि इस दौरान जो है वज्रपात होने की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग जो है इस तरह की चेतावनियां लगातार जारी करता रहा है। उसके बाद आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन, ये तीनों स्तर पे जो है चेतावनी जारी करती की जाती रही है। अगर हम आगे भी देखें इसी तरह की स्थितियों को देखें कि और किन किन जिलों में किस तरह के हालात हैं, तो इसमें जो है राजधानी पटना को लेकर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया था। प्रदेश में बारिश हुई भी और हो भी रही है कई जगहों पे। दरभंगा, मधुबनी, इन इलाकों में जो है अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इस इलाके में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई, मेघ गर्जन, वज्रपात, वर्षा होने की पूरी संभावना जताई गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। तो एक तरह से देखना है कि मौसम विभाग जो है लगातार बारिश को लेकर अपडेट साझा कर रहा है, क्योंकि ये जो समय है इस दौरान जो है बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन उतनी बारिश इस बार जो है प्रदेश में नहीं हो पाई है, जिसके कारण किसानों को जो है खासा नुकसान का सामना करना पड़ा है। आम लोगों को गर्मी और उमस से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन मौसम विभाग ने जो है अब साफ तौर पे जो अलर्ट जारी किया है उसमें बारिश की संभावनाओं को उन्होंने जो है साफ तौर पर दर्शाया है। अब हम देख लें दूसरी जगह तो खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, इन इलाकों में भी जो है बारिश की प्रबल संभावना जताई गई है। इन इलाकों में मेघ गर्जन होने, वज्रपात होने की संभावना जताई गई है और इन इलाकों में भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को पक्के मकान और खुले में रहने से साफ तौर पर मना किया गया है। ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों में के आसपास जाने से साफ तौर पर मना किया गया, क्योंकि वज्रपात की जो खबरें हैं वो आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती है और उसमें जो है लोगों के हताहत होने की भी खबरें सामने आती है। इसके बाद से जो है जिला प्रशासन, बिहार सरकार ने भी जो है लोगों को सावधान रहने को कहा। यहां तक कि अब जो स्थिति है, इसके जो नियम कानून जो नए तौर पर बन रहे हैं वज्रपात को लेकर, उसमें कहा गया है कि मंदिर अगर है तो वहां पे अगर माइक लगा है तो माइक से जो है पहले ही वहां सूचना दी जाएगी कि इन इलाकों में बारिश होने की संभावना है और वहां पे वज्रपात जैसे हालात हो सकते हैं, आपको जो है सतर्क रहने की जरूरत है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है मौसम विभाग ने भी अब जो है अपनी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। आगे की स्थितियों को अगर हम देखें तो उसमें जो है मुजफ्फरपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, सुपौल में जो है बारिश होने की संभावना जताई है और अब तक की जो अपडेट है उसमें एक चीज कॉमन है और वो है ऑरेंज अलर्ट। हर जिले में जो है ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थितियां हैं। साफ तौर पे अगर हम देख लें तो खुले में रहने से लोगों को मना किया गया, क्योंकि जब भी आसमान में बादल छाएं और लगे कि बारिश हो सकती है, तेज हवा चल रहा हो और बूंदाबांदी जैसी हालात हों, तो आप सीधे पक्के मकान में जाएं, क्योंकि इस दौरान वज्रपात होने की संभावना है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी है। इस दौरान जो है बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की संभावना 90% जो है बनी रहती है। ऐसे में ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभों के आसपास ना रहें। तो साफ तौर पे अब तक हमने जितने स्लाइड देखे उन सब में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी है और मौसम विभाग जो है अगले 2 से 3 घंटों तक बारिश की संभावना जताई है। चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा है कि आप जो है खुले में ना रहें और बिजली के खंभे हों या फिर ऊंचे किसी पेड़ के नीचे ना जाए, क्योंकि इस दौरान जो है वहां पर बिजली गिरने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। तो जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और मौसम विभाग, ये तीनों जो है लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है वज्रपात को लेकर और मौसम विभाग जो है बारिश को लेकर लगातार जानकारियां साझा कर रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ जैसे भी हालात हैं। अगर बारिश होती है ये जो अपडेट है उसके अनुसार, तो और नए इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी हुई जानकारी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।